कथाकार मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर शनिवार को प्रेमचंद साहित्य संस्थान के द्वारा बेतिहाता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क में प्रेमचंद और हमारा समय विषय पर संगोष्ठी तथा कर्मभूमि पत्रिका के विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में प्रेमचंद साहित्य संस्थान के सचिव प्रोफेसर राजेश कुमार ने बताया कि मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर प्रेमचंद साहित्य संस्थान ने पुरस्कार की घोषणा की है, जो कि मंडल के सुभाष राय को यह सम्मान दिया गया है। उन्होंने बताया कि कर्मभूमि पत्रिका के 2 अंकों का लोकार्पण किया गया है, जो कि अंक 8 व अंक 9 है। उन्होंने बताया कि अंक 9 में प्रेमचंद साहित्य संस्थान के द्वारा प्रेमचंद ने जितने जनपद में व्याख्यान किया है, इस पुस्तक में संकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि मुंशी प्रेमचंद इस पार्क में रहे और रावत पाठशाला में स्कूल की पढ़ाई की तथा इसी पार्क में उनका आवास था। यहाँ पर रहकर उन्होंने 5 साल नौकरी भी की थी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रेमचंद साहित्य संस्थान के सचिव प्रोफेसर राजेश कुमार ने कहा, अतिथि और प्रेमचंद साहित्य संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव शुक्ल सर, संस्थान के स्थापना काल से हमारे सचिव हिंदी विभाग के दीनदयाल उपाध्याय हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल राय सर, पूर्व सचिव और मित्र मनोज सिंह जी, संत विनोबा डिग्री कॉलेज के पूर्व प्राचार्य भाई असीम सत्यदेव जी, सभा में उपस्थित प्रेमचंद के प्रेमचंद साहित्य संस्थान और प्रेमचंद साहित्य के अनुरागियों के कई मामलों में आज की गोष्ठी भी और आज का कार्यक्रम भी भिन्न है। उस भिन्नता की ओर आपका एक मिनट के लिए मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। यूँ है कि हर वर्ष हम लोग काम करते रहे हैं और हर वर्ष ये आयोजन होता रहा है, कई बार वर्षों से यानी 98 से तो ये नियमित रूप से कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन इधर महामारी के दौर में हमारी स्थितियाँ, हमारी सोच, हमारे विचार कई स्तरों पर बदल गई, जिसमें जो भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ हम लोग शाम 2-3 दिन के नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेमचंद पर लगातार चलने वाली बहसों पर हम लोग केंद्रित करते थे, उसके जगह पर हम लोग थोड़ा सा इसे एक नए बदलाव के साथ शुरू कर रहे हैं। पहला तो यही कि कर्मभूमि जो स्मारिका के रूप में था वो पत्रिका के रूप में होगा और प्रेमचंद पर देश भर में जो कुछ भी लिखा पढ़ा जा रहा था उसका प्रतिनिधि है वो कर्मभूमि उसका प्रकाशन करेगा और उसे सबके सामने लाएगा। प्रोफेसर राजेश मन, किस तरह का कार्यक्रम किया गया आज? मुख्यतः 3 कार्यक्रम हमारे हैं। एक तो प्रेमचंद साहित्य संस्थान ने पुरस्कार की घोषणा की है, जो गोरखपुर परिमंडल में काम करने वाले लोग हैं उन्हें सुभाष राय जी को ये सम्मान दिया गया है, देवेंद्र कुमार बंगाली स्मृति सम्मान, तो इसकी घोषणा की गई है। पहला, दूसरा कर्मभूमि नाम से हमने एक पत्रिका शुरू की है, कर्मभूमि के 2 अंकों का लोकार्पण हुआ है, अंक 8 और अंक 9। 9वां अंक जो है वो प्रेमचंद साहित्य संस्थान में और गोरखपुर में हिंदी के प्रख्यात आलोचक नामवर सिंह ने प्रेमचंद पर जितने व्याख्यान गोरखपुर में दिए हैं उनका संकलन किया हम लोगों ने, लगभग 12 व्याख्यान हैं, तो इस तरह से ऐतिहासिक दस्तावेज वो बनेगा। इसके बाद आज हम लोग प्रेमचंद का क्या महत्व है गोरखपुर में बातचीत होनी ही चाहिए इस विषय पर, इसलिए कि गोरखपुर प्रेमचंद का है, प्रेमचंद यहाँ जुड़े रहे हैं, प्रेमचंद यहाँ रहे हैं, प्रेमचंद का बचपन यहाँ बीता है, ये रावत पाठशाला में उन्होंने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई की है और यहाँ नॉर्मल स्कूल जब हुआ करता था तो इसी आवास पर रह करके उन्होंने 6 साल 5 साल नौकरी की है यहाँ पर और यहीं से नौकरी से अपने को भी डाक दिया है।